पुलिस को मिली बड़ी सफलता, असलाह तस्कर समेत 4 लोग गिरफ्तार। जालौन उरई आज पुलिस लाइन सभागार में जालौन पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा खुलासा किया गया। खुलासे में एसपी जालौन ने बताया कि डल्लू पुत्र रामगोपाल निवासी मोहल्ला महंत नगर थाना जनपद जालौन, जो कि रात जनपद हमीरपुर के एक व्यक्ति से असलाह खरीद कर लोगों को बेचने का काम करता है। आज वे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के अमीटा तिराहे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े डल्लू पुत्र रामगोपाल महंत नगर व रामराजा पुत्र रघुवीर पटेल, रामकृष्ण पुत्र लाखन सिंह गहिरवार, चंद्रभूषण गौतम पुत्र शालिग्राम निवासी गंधगवा कला थाना जनपद जालौन तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों अपराधियों को पकड़ लिया, जिनके पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर तथा 2 तमंचे पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। रिपोर्ट राहुल राजावत, जालौन, यूपी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए लगातार ये निगरानी हम लोग कर रहे थे, जो हमारे सीमावर्ती थाने हैं, अन्य जनपद के थाने हैं, कि किसी प्रकार के अवैध सामानों का आदान प्रदान न हो प्रदेशों के बीच में, और इसलिए अवैध असलहे, मादक पदार्थ, इन सब चीज़ों पर विशेष निगरानी थी। इसी के तहत हमारी स्वाट टीम विशेष रूप से निगरानी कर रही थी। इस दौरान इसे ये खबर मिली कि एक व्यक्ति एक में जो ऑर्गेनाइज करता है अवैध असलों के संबंध में, वो अपने अन्य साथियों के साथ कहीं मौजूद है। 4 व्यक्ति पकड़े गए और इनके पास से 4 असलहे बरामद हुए। ये एक बड़ी रिकवरी है, जिसमें एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 2 कंटीमेड कट्टे हैं और इन कारतूस हैं। इनके सप्लायर का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कहाँ से ला रहे थे और किसको किसको इन्होंने असलहे दिए हैं, जिनके पास अवैध रूप से असलहे वर्तमान में मौजूद हैं, इनकी बरामदगी करने का प्रयास किया जा रहा है। डल्लू पुत्र राम गोपाल और राम राजा पुत्र रघुवीर, जिनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनसे गहराई से पूछताछ करने पर कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अभी उनका खुलासा करना उचित नहीं होगा विवेचना की दृष्टि से, उन पर भी काम चल रहा है और आगे प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक मात्रा में जो अवैध रूप से असलहे स्मगल किए गए हैं उनको बरामद किया। टीम को उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार मेरे स्तर पर दिया गया।